पिछले 5 साल से लोग यहाँ कितने निराश हैं, बिल्कुल एक ना उम्मीदी है। खास तौर से जो हमारे नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, यहाँ बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई भी है। सो फॉर मी इट्स गिविंग देम अ सेंस ऑफ होप, सिक्योरिटी। आप खुद देख सकते हैं, नौजवान, लेडीज, बुजुर्ग सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यहाँ के लोगों के इश्यूज हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो हम मीट करें, वो हम एड्रेस करें। यहाँ जो लोग हैं उनमें एक इनसिक्योरिटी डाली है, जो दिल्ली की में मरकजी सरकार बैठी है वो कोशिश कर रही है यहाँ के लोगों को बेदखल करने की, उन्हीं की जमीन से, नौकरियों से, वसाइल से। सो फॉर अस इट्स अबाउट रिस्टोरिंग दैट कॉन्फिडेंस, गिविंग देम अ सेंस ऑफ डिग्निटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पहली बार इलेक्शन में नए फेस के लिए क्या क्या आप जिम्मेदारियां हैं, किस तरह से चैलेंजेस आप महसूस कर रही हैं? मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं लोगों को एक उम्मीद की किरण बनके होप दूं, पॉजिटिविटी का एक मैसेज लाऊं, क्योंकि आप खुद जानते हैं पिछले 5 साल से लोग यहाँ कितने निराश हैं, बिल्कुल एक ना उम्मीदी है। खास तौर से जो हमारे नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, यहाँ बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई भी है। सो फॉर मी इट्स गिविंग देम अ सेंस ऑफ होप, सिक्योरिटी। जिस तरह से आप देखते हैं कि ऑब्लिगेशन 370 हटाया गया था, लोग कहते हैं कि पीडीपी, यहाँ के लोग भी समझ रहे हैं कि पीडीपी की वजह से हुआ, क्या आपने पोल किया है क्या सर? आपने हर एक से बात की है कि आप इतना जनरल स्टेटमेंट मार रहे हैं? दिस इज नॉट फेयर। आपने अगर हर एक बंदे से बात की, आपने कोई प्रॉपर पोल किया है, फिर मुझे बताइए। लोग यहाँ पीडीपी को बहुत चाहते हैं, वो जानते हैं कि पीडीपी वाहिद वही जमात है, जब यहाँ इकवान टास्क फोर्स पोटा का दौर था तो हमने वो सब चीजें खत्म की। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग जेनेरिक स्टेटमेंट दैट यू आर मेकिंग, ए स्वीपिंग। अगर ऐसा हाल होता तो मेरे साथ इतने लोग खड़े होते जो मुझे कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं जीतूंगी, है कि नहीं? अमर अब्दुल्ला ने एक्यूजेशन लगाया है कि पीडीपी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे। देखिए वो अभी परेशान हैं, दो जगहों से लड़ रहे हैं, आप बेचारे उनकी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? दो जगह से लड़ रहे हैं, उनको थोड़ा नर्वसनेस हो रही है, इसलिए जो वो कहते हैं आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं? वो बहुत नर्वस हैं जीतने के बारे में, उनको आराम से अपना कैंपेन करने दीजिए। बीच बहरा में आप महबूबा मुफ्ती जी की सीट से लड़ रही हैं जी, किस तरह से लोगों का प्यार आपके लिए है, किस तरह से क्या करना चाहते हैं उनके लिए? आप खुद देख सकते हैं, नौजवान, लेडीज, बुजुर्ग सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यहाँ के लोगों के इश्यूज हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो हम मीट करें, वो हम एड्रेस करें। हर पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, आपकी पार्टी ने भी मैनिफेस्टो निकाला है, उसमें पीपल्स एस्पिरेशंस की बात की गई है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उसके बारे में। वेल इट्स अबाउट एड्रेसिंग द पीपल्स एस्पिरेशंस, उनको एक सेंस ऑफ सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना, डिग्निटी देना, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ जो लोग हैं उनमें एक इनसिक्योरिटी डाली है, जो दिल्ली की में मरकजी सरकार बैठी है वो कोशिश कर रही है यहाँ के लोगों को बेदखल करने की, उन्हीं की जमीन से, नौकरियों से, वसाइल से। सो फॉर अस इट्स अबाउट रिस्टोरिंग दैट कॉन्फिडेंस, गिविंग देम अ सेंस ऑफ डिग्निटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पीडीपी ने अपने अपने जो मैनिफेस्टो उसमें बोला है कि ये इनिशिएटिव शुरुआत होगा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप पढ़ सकते हैं, माशाल्लाह मुझे लगता है आपको, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो आप मैनिफेस्टो हमारा पढ़ लीजिए। मुझे लगता है ANI चाहती है मैं यहाँ वो पाकिस्तान पाकिस्तान करके आपको मुफ्त की TRP दूँ, वो तो मैं करने नहीं वाली हूँ। तो आप मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा है और बहुत क्लियरली लिखा है। स्टेटहुड की बात की है कि स्टेटहुड पीडीपी लाएगी, इसका आश्वासन दिया है जी, तो वो आप BJP से पूछिए। बट जैसे उनने कहा 10 लाख डालेंगे अकाउंट में, कभी तो आए नहीं, मैं तो अभी भी ढूंढ रही हूँ, आपके अकाउंट में आए क्या? किसी के नहीं आए, तो वो तो बोलते रहते हैं चीजें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।